हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग यूनिवर्सिटी। सो आज का हमारा टॉपिक है केएमसी। केएमसी मींस कंगारू मदर केयर। ओके, सो जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, कंगारू मदर केयर, कि कंगारू की तरह केयर करना। ठीक है, एक मदर को अपने बेबी की किस तरीके से केयर करनी है, जिस तरीके से कंगारू अपने बेबी को हैंडल करता है, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट मेंटेन करना है। ओके, सो केएमसी इज अ स्पेशल वे ऑफ केयरिंग लो बर्थ वेट इन्फेंट्स बाय स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। यहाँ पर हमें देखने को मिला है लो बर्थ वेट इन्फेंट्स। लो बर्थ वेट मीन्स LBW जो बेबीज होते हैं उन्हें KMC प्रोवाइड की जाती है, कंगारू मदर केयर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, सो ये तो हमें पता लग चुका है कि जो LBW बेबीज है, KMC की एक इंडिकेशन है। ठीक है, कि किसे KMC दी जाएगी, तो LBW बेबीज को KMC दी जाएगी बाय स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। जैसे मैंने पहले भी बताया है, इट प्रोमोट्स देयर हेल्थ बाय इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल। देखिए, जैसे ये जो LBW बेबी है वो स्किन के कॉन्टेक्ट में आएगा, मदर के स्किन के कॉन्टेक्ट में आएगा, वैसे ही क्या होगा, टेम्परेचर कंट्रोल होगा, थर्मल कंट्रोल होगा एंड ब्रेस्ट फीडिंग एंड बॉन्डिंग। मदर को क्या करानी है, ब्रेस्ट फीडिंग एंड मदर के साथ जो है बेबी की बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। सो KMC में टू जो है मेन चीजें हैं, टू मेन फैक्टर्स हैं जिसे आप इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट एंड सेकेंड इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। बेनिफिट्स ऑफ कंगारू मदर केयर, सो फर्स्ट वन इज KMC हेल्प्स इन थर्मल कंट्रोल। जैसा हमने पहले भी स्टडी किया है, थर्मल कंट्रोल में हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हाइपोथर्मिया का रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है KMC सेटिस्फाइज ऑल द 5 सेंसेस ऑफ इन्फेंट। जो इन्फेंट के 5 सेंसेस हैं, उन्हें जो है KMC कंगारू मदर केयर क्या कर पाएगा, सेटिस्फाई कर पाएगा। ठीक है, कंगारू मदर केयर के हेल्प से हम ऑल द 5 सेंसेस ऑफ जो इन्फेंट है उस सेटिस्फाई कर सकते हैं। टच जो सेंस है इसमें इंक्लूड है, जैसे कि मदर के कॉन्टेक्ट में आएगा इन्फेंट, तो ये जो उसकी सेंस है ये सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट है हियरिंग, मदर की वॉइस को सुनेगा इन्फेंट। टेस्ट, जैसे ही इन्फेंट ब्रेस्ट फीड करता है तो ये जो सेंस है उसे भी इन्फेंट जो है वो सेटिस्फाई कर पाएगा। ऑल्फैक्शन में आता है हमारा मदर स्मेल एंड विजन में इंक्लूडेड है आई कॉन्टेक्ट विद द मदर। ओके, सो KMC प्रोटेक्ट अगेंस्ट नोजोकॉमिकल इन्फेक्शन। नोजोकॉमिकल इन्फेक्शन जो होता है वो होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ओके, देखिए, अगर इंक्यूबेटर केयर हम इन्फेंट को प्रोवाइड करते हैं, उस केस में इन्फेंट को नोजोकॉमिकल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू KMC कंगारू मदर केयर। तो ये कंगारू मदर केयर में ये एक बेनिफिट रहता है कि जो इन्फेंट है वो नोजोकॉमिकल इन्फेक्शन से बचा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इट फैसिलिटेट्स मदर इन्फेंट बॉन्डेज। मदर और इन्फेंट की एक बॉन्डेज बन जाती है, बहुत अच्छा बोन्ड बन जाता है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में जब इन्फेंट रहता है KMC में। ठीक है, इट डजंट रिक्वायर एडिशनल स्टाफ। जैसा कि हमें इंक्यूबेटर केयर जब हम प्रोवाइड कराते हैं हमें एडिशनल स्टाफ की नीड होती है, KMC में हमें कोई भी एडिशनल स्टाफ की नीड नहीं है। सिर्फ जो वन स्टाफ मेंबर है वो हमें चाहिए होगा टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द मदर, अदर कोई भी स्टाफ मेंबर की हमें नीड नहीं होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर KMC, ठीक है, कि कौन सा एक ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हम देख पाएंगे कि कौन से जो बेबीज हैं वो KMC के लिए एलिजिबल है एंड जो मदर्स हैं वो भी एलिजिबल है या नहीं है। सो देख लीजिए, ऑल LBW बेबीज आर एलिजिबल फॉर द KMC। जो भी LBW बेबीज हैं, जो भी स्टेबल LBW बेबीज हैं, ठीक है, स्टेबल का मतलब है यहाँ पर जिन्हें कोई भी रिगार्डिंग देयर हेल्थ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो वो जो LBW बेबीज है, स्टेबल LBW बेबीज, वो एलिजिबल है फॉर द कंगारू मदर केयर। नेक्स्ट है जो सिक LBW बेबीज हैं, जो सिक है उन्हें कुछ दिन लग सकते हैं टू इनिशिएट द KMC को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें प्रॉपर फैसिलिटी की नीड होती है। ठीक है, एक KMC ही इनफ नहीं है फॉर द प्रॉपर केयर एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है इन्फेंट्स ऑफ बर्थ वेट लेस देन 1200 ग्राम्स विद सीरियस प्रीमेच्योरिटी। जो भी इन्फेंट्स हैं जिनका बर्थ वेट 1200 ग्राम से बिलो है
और जिन्हें सीरियस प्री मेच्योरिटी है वो प्री मेच्योर है, एलबीडब्ल्यू बेबीज जो है, इन्फेंट जो है वो प्री मेच्योर है, उन्हें भी कुछ दिनों से कुछ हफ्ते लग सकते हैं केएमसी को इनिशिएट करने के लिए. ओके, अब हम देख रहे हैं मदर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा टू इनिशिएट केएमसी. कंगारू मदर क्या है, ओके सॉरी टू इनिशिएट नहीं, टू प्रोवाइड द केएमसी, मदर शुड बी फ्री फ्रॉम सीरियस इलनेस. कोई भी मदर को सीरियस इलनेस नहीं होनी चाहिए क्योंकि मदर को ब्रेस्ट फीड कराना है. एंड मदर कैपेबल होनी चाहिए कि वो एडिक्वेट डाइट ले, एडिक्वेट न्यूट्रिशन ले, एंड जो भी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं सप्लीमेंट्स उन्हें भी वो इजिली ले पाए. नेक्स्ट है शी मस्ट बी विलिंग टू प्रोवाइड द केएमसी. ठीक है, मदर को इस तरीके से प्रिपेयर करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है कि वो इजिली जो है वो प्रोवाइड कर पाए केएमसी बेबी को. शी शुड मेंटेन गुड हाइजीन. मदर का जो हाइजीन है वो मेंटेन होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है शी शुड हैव सपोर्टिव फैमिली एंड कम्युनिटी टू बी एनकरेज टू कंटिन्यू केएमसी जो है बेबी. एक ऐसे सपोर्टिव फैमिली होने चाहिए, कम्युनिटी होनी चाहिए जो कि मदर को एनकरेज करे किसके लिए, केएमसी प्रोवाइड करने के लिए. अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम मदर को प्रिपेयर करेंगे टू प्रोवाइड द. अब हम देख रहे हैं प्रिपरेशन फॉर केएमसी, मदर की और बेबी की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है. सो देखिए बेबी की तो सिर्फ हम क्लोथिंग की ही प्रिपरेशन कर सकते हैं, अदरवाइज जो हमें काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है वो हम मदर को ही प्रोवाइड करेंगे क्योंकि मदर ने ही केएमसी प्रोवाइड करनी है. सो एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ केएमसी टू मदर एंड फैमिली मेंबर्स. तो केएमसी की जो भी केएमसी के बेनिफिट्स है वो हम मदर को एक्सप्लेन कर देंगे कि जिनका भी एलबीडब्ल्यू बेबी है, लो बर्थ वेट बेबी है, उसका इजिली वेट गेन हो जाएगा जब हम स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में बेबी को रखेंगे, एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जब हम बेबी को कराएंगे उसकी वजह से बेबी को न्यूट्रिशन मिलेगा, साथ ही साथ वेट गेन होगा, तो बेबी जो है वो डिजायर्ड वेट गेन कर पाएगा. वो हम मदर को एक्सप्लेन करेंगे कि केएमसी का क्या क्या बेनिफिट है, जिससे क्या होगा जो मदर है, फैमिली मेंबर्स है, ठीक है, उन्हें उनकी एंग्जाइटी रिमूव होगी जिसकी वजह से जो है मदर इजीली केएमसी प्रोवाइड कर पाएगी. डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसीजर टू द मदर. प्रोसीजर का डेमो हमें मदर को देना है एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए. ठीक है, मदर जो है बहुत ज्यादा एंजियस रहेगी बिकॉज जो बेबी है वो एलबीडब्ल्यू है. साथ ही साथ देखिए आंसर द क्वेश्चंस एज आस्क्ड बाय द मदर एंड फैमिली मेंबर्स टू रिमूव द एंग्जाइटी. जो भी अगर मदर कुछ क्वेश्चंस पुट अप करती है या फिर कोई क्वेरीज है फैमिली मेंबर्स की तो वो हमें सॉल्व करनी है जिससे क्या होगा एंग्जाइटी रिमूव हो पाएगी. अलाउ द मदर टू इंटरेक्ट विद समवन हु हैव ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग केएमसी फॉर हर बेबी. कोई ऐसी वुमेन है, कोई ऐसी मदर है जो ऑलरेडी जो है केएमसी प्रोवाइड कर रही है, उससे इंटरेक्ट करने देना है, मीन्स हमें अलाउ करना है, हमें रोकना नहीं है मदर को कि आप उनसे बात मत कीजिए, इस तरीके से हमें नहीं करना है. ठीक है, तो मदर को अलाउ कर देना है, इससे भी एंग्जाइटी जो है वो रिमूव होगी मदर की एंड इजिली वो प्रोवाइड करा पाएगी केएमसी. कंगारू मदर के. मदर की क्लॉथिंग की अगर हम बात करें तो क्लॉथिंग कैसे रहेगी, फ्रंट ओपन क्लॉथिंग रहेगी, लाइट ड्रेस. फ्रंट ओपन इसलिए ताकि वो इजिली स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में बेबी को रख पाए. तो मैं एक पिक्चर यहाँ पर लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा केएमसी किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है, कंगारू मदर केयर किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है, बेबी और मदर की पोजिशनिंग अभी हम देखेंगे कैसे रहेगी. बेबी शुड बी ड्रेस्ड विद फ्रंट ओपन स्लीवलेस शर्ट. जो बेबी की ड्रेस है वो भी क्या रहेगी, फ्रंट ओपन, तभी हो पाएगा मदर एंड बेबी का स्किन कॉन्टेक्ट. देखिए अब हम देख रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ केएमसी. सो इट शुड बी प्रोवाइड, इट शुड नॉट बी लेस देन 1 आवर. तो जो भी केएमसी की ड्यूरेशन है, मीन्स टाइम ड्यूरेशन है, वो 1 घंटे से कम की नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट है ग्रेजुअली द लेंथ ऑफ केएमसी सेशंस शुड बी इंक्रीज्ड अप टू 24 आवर्स अ डे. धीरे धीरे हमें क्या करना है, जो भी केएमसी सेशंस की जो लेंथ है उन्हें हमें इंक्रीज कर देना है. जैसे पहले तो हम केएमसी प्रोवाइड कर रहे थे कम से कम 1 घंटे तक, अब हम क्या करेंगे 1 घंटे से बढ़ा करके उसे अप टू 24 आवर्स तक कर देंगे. मीन चेंजिंग टाइम में इंटरप्शन क्रिएट हो सकती है, अदरवाइज हमें 24 आवर्स ही केएमसी प्रोवाइड करनी है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करानी है. एंड अगर मदर अवेलेबल नहीं है किसी टाइम पे तो उस टाइम पे कोई भी फैमिली मेंबर केएमसी प्रोवाइड करा सकता है. ओके, सो अब हम देख रहे हैं डिस्चार्जिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा. डिस्चार्जिंग क्राइटेरिया देखिए, जो अगर इन्फेंट है उसे कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर नहीं है, इन्फेंट जो है एलबीडब्ल्यू जो बेबी है वो स्टेबल है,
एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है एंड जो उसका वेट है वो 15 to 20 grams पर केजी पर डे के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है, उस केस में हम क्या करेंगे? डिस्चार्ज कर देंगे. ठीक है, डिस्चार्ज कर देंगे. इस केस में 15 to 20 grams पर केजी पर डे के अकॉर्डिंग अगर वेट इंक्रीज हो रहा है, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, स्टेबल है एंड कोई भी इंफेक्शन इन्फेंट को प्रेजेंट नहीं है, तब हम क्या करेंगे? केएमसी को तो कंटिन्यू रखेंगे. ठीक है, केएमसी को हम हॉस्पिटल में जिस तरीके से मदर ने केएमसी प्रोवाइड करी थी उसी तरीके से हम क्या करेंगे, होम एनवायरमेंट में भी हम केएमसी प्रोवाइड करा सकते हैं. डिस्चार्ज हम इन्फेंट को कर देंगे. ओके, एंड एक और बात है, अगर मदर जो है वो फॉलोअप के लिए आती है तभी हम डिस्चार्ज करेंगे. ठीक है, ताकि हम इजिली जो है इन्फेंट को देख पाए कि अच्छे से वेट गेन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये हमें मदर को एक्सप्लेन करना है कि वो फॉलोअप के लिए आए. तो आज हमने स्टडी किया था केएमसी. ओके, तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा. कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट ऑन कर दीजिएगा एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज नर्सिंग इज एन एसटी.